हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। अगर आप लोगों का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो अब आप अपने मनपसंद एड्रेस पर अपनी चेक बुक मंगा सकते हैं। अभी तक क्या होता था, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट करते थे तो जो आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड एड्रेस होता था, आपकी चेक बुक आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर होती थी। ऐसे में उन कई सारे कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाती थी जो प्रेजेंट टाइम में अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर नहीं रह रहे हैं और उनकी चेक बुक की लीफ खत्म हो गई है और उन्होंने नई चेक बुक के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनकी चेक बुक तो उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर जाएगी तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर पर अपने कस्टमर को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अब वो अपने मनपसंद एड्रेस पर चेकबुक मंगा सकते हैं। जब आप चेकबुक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन में तो आप अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर चेकबुक मंगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहेगा जिसमें आपने लास्ट टाइम अपनी चेकबुक मंगाई हो उस एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, आप अपने मनपसंद एड्रेस पर, जिस एड्रेस पर भी आपको चेकबुक चाहिए वो एड्रेस आप फिल करके उस पर अपनी चेकबुक मंगा सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल से स्टेप है। आइए देख लेते हैं कैसे आप नेट बैंकिंग से चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको SBI के नेट बैंकिंग पर लॉगिन करना होगा। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करिए। उसके बाद आप फर्स्ट पेज पर देखेंगे रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज का ऑप्शन, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको चेक बुक रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने पर आपके अकाउंट से जुड़ी जितनी भी डिटेल है वो सब आपको दिखाई देगी। अब आपको जिस अकाउंट का चेकबुक चाहिए आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको एड्रेस के तीन ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस जो बैंक के साथ लिंक है, दूसरा आपका लास्ट अवेलेबल डिस्पैच एड्रेस, लास्ट टाइम जिस पर आपने चेकबुक मंगाया हो, और तीसरा आपको कोई नया एड्रेस डालना है। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करिए। अगर आपको नए एड्रेस पर मंगाना है उसे सेलेक्ट करिए, अपना नाम डालिए, नया एड्रेस डालिए, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करिए। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP डाल के कंफर्म करना है और जल्द ही आपके बताए हुए एड्रेस। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपने कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।